नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24/7। मैं सानिया जैन आपके साथ। आइए नजर डालते हैं कुछ झटपट खबरों पर। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भाजपा दिल्ली में हिंसा भड़का रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं के भड़काऊ बयान देने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। कांग्रेस ने आज दिल्ली हिंसा में मारे गए 20 लोगों को लेकर भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। राजस्थान के बूंदी जिले में बुधवार की सुबह बारातियों से भरी एक निजी बस के नदी में गिरने से 25 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना सुबह 9 बजे के आसपास हुई। इस हादसे में बचे लोगों का कहना है कि बस के पुल को पार करने के दौरान चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया, जिससे ये हादसा हुआ। इस हादसे में 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में रेफर किया गया है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य चल रहा है। रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2019-2020 में जबरदस्त सुरक्षा मानक स्थापित होने का दावा किया है। दावा यह है कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 24 फरवरी 2020 के बीच किसी भी रेल दुर्घटना में कोई भी रेल यात्री की मौत नहीं हुई। भारतीय रेल ने यह शानदार उपलब्धि रेलवे के 166 साल के इतिहास में पहली बार हासिल की है। रेलवे ने दावा किया कि लगातार ICF कोच की जगह LBH कोच लगाया जा रहा है, जिस वजह से सुरक्षा मानकों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली की हिंसा में मारे गए राजस्थान के सीकर जिले के हेड कांस्टेबल रतनलाल को केंद्र सरकार ने शहीद का दर्जा दिया है। ये जानकारी आज सीकर के सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने देते हुए बताया कि दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल रतनलाल की पत्नी को सरकारी नौकरी, 1 करोड़ रुपए और शहीद को मिलने वाले समस्त परिलाभ दिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के साथ पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। सभी को 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इससे पहले बुधवार को आजम खान के साथ पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला ने कोर्ट में सरेंडर किया था। आजम खान ने ADG 6 की कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी जमानत की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर तीनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। झटपट खबरों में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें 24/7 के साथ।